नींद का कारण है सब कुछ। तो होटल का व्यू भी दिखाएंगे आपको, क्या मस्त। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो वेलकम है आप सब दोस्तों का एक और नई सुबह के साथ, और अपने चैनल पे वेलकम भी करते हैं आप सब दोस्तों का। तो फाइनली गाइस, अल्लाह ताला के शुक्र से मैं इस टाइम एमपी में चल रहा हूँ। तो उमर भाई सो रहा है इस टाइम, तो राइड कंटिन्यू है नया गांव की, और आज बहुत ज़्यादा लेट है गाड़ी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना, अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो दाई व्यूअर्स है तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके जाना, तो आगे वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं एमपी में चल रहा हूँ, रतलाम तक अभी 40 किलोमीटर मुझे चलना है। तो उमर भाई अभी रेस्ट कर रहा है क्योंकि ये रात के 2 बजे तक फिर गाड़ी चला रहा था। तो आगे दिखाएंगे आपको आज एमपी का नज़ारा भी, राजस्थान का नज़ारा भी। आज बहुत ही ज़्यादा लेट मेरी गाड़ी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा लेट। तो इस वक्त मैं होता था बराबर एमपी बॉर्डर पे, तो तकरीबन 200 किलोमीटर का गैप है अभी मुझे। तो देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं, आपसे भी पूरा रास्ता हम शेयर करेंगे। तो जी भाई लोग, चल रहा हूँ मैं कंटिन्यू, तो ये देख सकते हो आप लोग, मैं पहुँच गए बराबर रतलाम टोल प्लाजा पे। तो आज बहुत ही ज़्यादा लेट गाड़ी चल रही है मेरी, क्योंकि आपको पता ही है अल्टरनेटर मेरा ख़राब हो गया था सौदा डायमंड कंपनी के पास, मुझे तकरीबन 4 घंटे ज़्यादा लग गए, तो उधर अबरार भाई ने फिर डेमो ठीक करके दिया मुझे। देख सकते हो भाई लोग कितने खूबसूरत फूल है सड़क पे। तो ये सुबह सुबह का ही नज़ारा है एमपी का, तो ये देख सकते हो आप लोग क्या मस्त जच रहे हैं ये फूल। ये देखो कितने सारे पेड़ है, ये बिल्कुल रास्ते के बीच में है, उस साइड उधर वाली गाड़ियाँ चल रही है इस साइड ये वाली। तो ये पेड़ में भी फूल नहीं आया है, ये अभी नए ही फूल है। तो भाई लोग इस ढाबे से हम निकल गए क्योंकि इधर पे चाय वाय नहीं मिल रही थी, तो इधर से हमने खाली मुंह धो लिया। तो आगे आदिल भाई ने लोकेशन सेंड की है, वो 7 किलोमीटर आगे किसी ढाबे पे रुका हुआ है, तो उधर ही जाते हैं, देखते हैं ढाबे का लुक कैसा है। तो उधर पे ही हम नाश्ता करेंगे अपना। तो अभी चल रहे हैं, अभी उमर भाई चढ़ गया गाड़ी पे, तो देखते हैं अब क्या मिलेगा उधर नाश्ते में, आज आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। तो गाइस फाइनली तीनों गाड़ी हमने इधर पे साइड में लगा दिए होटल पे, तो देख सकते हो आप लोग तीनों गाड़ी का लुक आ गए। तो ये मेरी गाड़ी 4782, तो ये बीच में आदिल भाई की गाड़ी है, और एक उस्ताद है अपने ही साथ काजीगुंड का। तो तीनों का आज सांग बराबर है, तो रुक गए हम होटल ग्रीन प्लाजा पे। ये देख सकते हो कितना होटल मस्त है, बढ़िया लुक आ रहा है होटल का, बहुत ही मस्त होटल है कसम से। तो इधर से फ्रेश होने के लिए भी जगह देख सकते हो, तो उधर अपने उस्ताद लोग उमर भाई और सब ड्राइवर उधर ही नहा रहे हैं, जो अपने साथ 6 बंदे हम हैं, तो 6 के 6 ही उधर पे नहा रहे हैं। तो मैं भी जाता हूँ अभी नहा के आता हूँ। तो ये देख सकते हो होटल की पार्किंग कितनी बड़ी है, ये देख सकते हो होटल की पार्किंग, बहुत ही बड़ी होटल की पार्किंग है। तो देखते हैं अभी खाते हैं अंदर परोठा, जो मिलेगा वही खाएंगे। अभी आज का नाश्ता होटल ग्रीन पे होगा हमारा, 9:30 हो गया टाइम, देख सकते हो आप लोग क्या मस्त यार व्यू आ रहा है होटल का। तो उधर से दुकानें 4-5 उनमें नाई भी है, तो उधर से फ्रेश होने के लिए जगह टॉयलेट, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो भाई लोग पहले नहाएंगे, बाद में होटल पे कुछ खा के निकलते हैं। तो ये देख सकते हो कितनी साफ जगह है जहाँ पे ड्राइवर नहा रहे हैं, तो सभी ड्राइवर यहीं पर नहा रहे हैं, तो ये आदिल भाई है। तो भाई लोग जाएंगे होटल में, देखेंगे क्या मिलेगा खाने के लिए, तो होटल का व्यू भी दिखाएंगे आपको। मेरे ख्याल से परोठा ऑर्डर करेंगे हम, ये देखो यार मस्त होटल।
परोठा बन जाएगा भाई, 6 परोठा बनाओ। तो इधर से देख सकते हो भाई लोग, बच्चों को खेलने के लिए कितने सामान बने हुए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। बहुत ही खूबसूरत है ये होटल। ये देखो अपनी गाड़ियाँ तीन इधर पे हमने साइड में लगा दी है, देख सकते हो आप लोग। तो अभी आदिल भाई और दूसरा उस्ताद कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, को कुछ खरीदना है इधर से। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो दुकान भी होटल में ही है। देखो चपले वपले सब घड़िया। आदिल भाई क्या लेना है? हाँ ये देखो भाई लोग, परोठा और वो भी दही के साथ। एक नंबर। फाइनली गाइस, नया गांव बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, तो हो गए हम एंटर राजस्थान में। तो अब राजस्थान का नज़ारा इधर से दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है राजस्थान में एंटर होते हैं तो RTO तकरीबन 10-15 जगह मिलता है। तो देखते हैं आगे किस जगह हमारे को RTO मिलेगा। देख सकते हो उधर आप साइड शीशे में कितनी गाड़ियों को इन्होंने पकड़ के रखा है। तो ये जो बुलेरो है इसी में RTO बैठा हुआ है, तो इसके पीछे घोड़ा एक पकड़ के रखा है। तो इस साइड बहुत से ट्रैफिक वाले हैं, मगर मैं उधर कैमरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मसला क्रिएट हो जाएगा। फाइनली गाइस, निकल गए हम RTO से, तो उसने 500 रुपये एंट्री ली। तो अब कंटिन्यू राइड है हमको बिलवाड़ा में, तो चल रहे हैं हम किशनगढ़ की ओर। तो किशनगढ़ तक अभी 90 किलोमीटर होगा फासला हमारा, तो राइड कंटिन्यू है। आदिल भाई आगे आगे चल रहा है, तो देखते हैं। आज बुरा सीन हो गया अपने साथ, एक जगह MP बॉर्डर पे दिया एंट्री 500 रुपये, अब बिलवाड़ा में और 500। पता नहीं आगे कितनी जगह और मिलेगी राजस्थान में RTO, क्योंकि इधर तकरीबन 8-9 जगह बैठते हैं RTO। नसीराबाद में भी बैठता है, बिलवाड़ा में भी बैठता है, किशनगढ़ में भी बैठता है। देखते हैं अभी अपने साथ क्या सीन होने वाला है। तो ये देख सकते हो भाई लोग, गाड़ी कहाँ गई है, ये नींद का कारण है सब कुछ। तो अल्लाह रहम करे यार। तो ये किशनगढ़ के पास में ये कांड हो गया था, देख सकते हो आप लोग। नींद में जब इंसान चलता है फिर तो यार गाड़ी पलटने का 100% चांस रहता है। ड्राइवर भाई यार केयरफुली, अगर नींद चढ़े तो गाड़ी साइड में लगाओ। तो जी भाई लोग रुक गए मैं सब्जी पकड़ने के लिए बाजार एक में, देख सकते हो आप लोग। इधर सब्जी का मार्केट था थोड़ा, तो पहले मैं पनीर लाऊंगा उधर दुकान से। इधर से रोड का काम हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो भाई लोग उधर पे पनीर का शॉप एक है, उधर से ही हम पनीर उठाएंगे। पनीर है भाई साहब, पैकेट वाली है उस तरह खुली। तो बिल्कुल मैं बर्फी के शॉप पे हूँ, पनीर वनीर इधर से ही पकड़ ली और अपने लिए समोसा एक पकड़ लिया दही डाल के। ये देख सकते हो आप लोग कितना मस्त दुकान है। तो ये खा के अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, आज पनीर पक जाएगा गाड़ी में, और देखेंगे सब्ज़ी क्या लाएंगे। तो भाई लोग पहुँच गए मैं किशनगढ़ मार्केट में, जहाँ पे गाड़ियों का सामान मिलता है। तो टाइम हो गया 6:30, तो इधर से चाय पी के हम निकलेंगे, तो फिर उमर भाई भी गाड़ी चलाएगा, मैं सब्ज़ी पकाऊंगा, फिर नींद 1-2 घंटा करके रखेंगे, क्योंकि आगे मुझे रात को गाड़ी चलानी है, क्योंकि आज रात भी हम कंटिन्यू
चलेंगे। तो ये देख सकते हो आप मार्केट कितना झज रहा है, ये मार्केट सब कुछ गाड़ी का सामान इधर पे मिलता है। तो आपको मैं नीचे जाके दिखाऊंगा। तो जी भाई लोग चल रहे हैं हम कंटिन्यू किशनगढ़ से, हमने 70 किलोमीटर निकाले हैं। तो अभी उमर भाई गाड़ी चला रहा है, तो मैंने लाया है आपको वो पता ही है पनीर और ये पालक और प्याज, आज यही इसी की सब्जी बनेगी मेरी गाड़ी में। तो इस साइड चावल पक रहा है, तो देखते हैं अब किस टाइम हम खाना खाएंगे, उस टाइम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे जब हम खाना खाएंगे। तो ये पका के मैं सीधे सो जाऊंगा 2-4 घंटे, क्योंकि मुझे रात को गाड़ी चलानी है। फिर मिलते हैं दोस्तों आप खाना खाने के टाइम, इसको मैं पका के फिर आपको मैं उसी टाइम रेसिपी दिखाऊंगा। तो देख सकते हो भाई लोग आज की रेसिपी, फाइनली गाइस गाड़ी मैंने रतनगढ़ से आगे साइड में लगा दी थी, तो खा लिया हमने खाना। तो आप उमर भाई सो जाएगा, मैं अब ड्राइव करूंगा। तो आगे सुनने में आएगा बहुत धुंध है आगे, तो इधर पे मैंने गाड़ी लगाई साइड में। तो यह है होटल का नज़ारा, देख सकते हो आप लोग इसी ढाबे पे मैंने गाड़ी साइड में लगा दी है। तो ये राजस्थान का नज़ारा है, राजस्थान रतनगढ़ का नज़ारा है। तो आयल भाई अभी थोड़ा पीछे ही है मेरे, तो मैं सो रहा था, उमर भाई खुद ड्राइव कर रहा था यहाँ तक, तो अब मैं ड्राइव करूँगा। तो इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना सभी दोस्त।